इजेनिक 20% जेल, जो कि एक जेल है जो कि इंटास फार्मास्यूटिका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एजिलिक एसिड 20% वेट बाय वेट रहता है। 15 ग्राम का ये छोटा सा क्रीम रहता है जिसका MRP 250 रुपीज़ रहता है। ये क्रीम जो कि यूज होता है पिंपल्स के केस में यूज होता है, एक्ने का ट्रीटमेंट करता है। और इस वीडियो में मैं इसका क्रीम का यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है मार्केट में, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि इजेलिक 20% जेल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जेनिक 20% जेल जो कि बनाया जाता है इंटास फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एजिलिक एसिड 20% वेट बाय वेट रहता है और ये 15 ग्राम का ट्यूब रहता है जिसका MRP 270 रुपीज़ रहता है। एजेनिक 20% जेल जो कि यूज होता है और ट्रीटमेंट करता है एक्ने का, पिंपल्स का ये ट्रीटमेंट करता है, और इससे रिलीफ मिलता है जो कि रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है एक्ने की सराउंडिंग में तो वो कम हो जाता है। और ये क्या करता है कि किल करता है उस एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को, जिससे क्या होता है एक्ने नहीं होता है। तो इसको एक्सटर्नली लगाया जाता है और ये प्रिस्क्राइब किया जाने वाला एक जेल है जो कि ट्रीटमेंट करता है एक्ने का। अगर आप इसको ज़्यादा लगा रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं लगा रहे हो, कंटिन्यूसली लगा रहे हो, तो जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है और रेडनेस हो सकता है। इन सब कॉमन साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको जब भी लगाए तो इसको एक्सटर्नल लगाए, डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर लगाए। जब भी लगाए तो इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ ले, इसके अंदर एक लिपलेट दिया गया उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, जहाँ पे एक्ने हुआ उसको क्लीन कर दे, ड्राई कर दे इफेक्टेड एरिया को और वॉश कर दे अपने हाथ को। उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके लगाए इफेक्टेड एरिया पे। तो एजिलिक एसिड कम कैसे करता है, तो ये क्रीम के अंदर जो एजिलिक एसिड डाला गया है जो कि किल करता है, मारता है उस एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को, जिससे क्या होता है कि वो इन्फ्लामेशन वगैरह, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है, जिससे आपको दर्द वगैरह कम हो जाता है और एक्ने भी जल्दी ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे काम करती है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।